हेलो दोस्तों, अगर आप भी सर्च कर रहे हैं अपने किचन के लिए एक बेस्ट किचन चिमनी ताकि आप अपनी किचन को पॉल्यूशन फ्री रख सके, तो ऐसे में आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा किचन चिमनी बाइंग गाइड के भाई एक चिमनी को बाय करते टाइम पे कौन कौन से पैरामीटर्स है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए ताकि हम अपने लिए एक बेस्ट किचन चिमनी सेलेक्ट कर पाए। तो अगर आप एक फर्स्ट टाइम चिमनी बाय करने का प्लान कर रहे हैं और आपको चिमनी के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, तो ये वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम चिमनी के बारे में इन डेप्थ डिटेल में बात करेंगे कि भाई 60 सेंटीमीटर वाली चिमनी ले, 90 सेंटीमीटर वाली चिमनी ले, चिमनी की प्लेसिंग हाइट कौन सी होनी चाहिए, बफल फिल्टर वाली ले या फिर ऑटो क्लीन फिल्टर लेस चिमनी ले, और एक चिमनी का जो है मेंटेनेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने मार्केट के अंदर जाके ऑलमोस्ट हर एक चिमनी के मॉडल को चेकआउट किया है और तभी जाके इस वीडियो को मैंने बनाया है। हालांकि बड़े यूट्यूबर्स की तरह मैं सारे मॉडल्स को खरीद के इस वीडियो में तो नहीं ला सकता, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहा तो वो टाइम भी जल्दी आएगा। तो वीडियो में देर ना करते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं एक किचन चिमनी को बाय करते टाइम पे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो हमें सबसे पहले ध्यान में रखने चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चिमनी के पॉइंट्स के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं यूज ऑफ चिमनी। तो ये बात सबको पता है कि हम जब कुकिंग करते हैं किचन के अंदर, चाहे वेजिटेरियन फूड बनाए या नॉन वेजिटेरियन फूड बनाए, स्मोक दोनों सिचुएशन में क्रिएट होता है और वही स्मोक जो है पोल्यूशन का रीजन बनता है आपकी किचन के अंदर। अब क्या होता है कि अगर हमारे किचन के अंदर एग्जॉस्ट लगा है तो स्मोक तो है जो एग्जॉस्ट से वेंटिलेट हो जाएगा, लेकिन स्मोक के अंदर जो ग्रीसी पार्टिकल्स और जो ऑयली पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं आपकी दीवार पर जाके चिपक जाते हैं, जिससे आपकी दीवार भी काली पड़ जाती है और साथ ही साथ स्मोक की वजह से आपको पोल्यूशन भी होता है। तो ऐसे में जो चिमनी है ये सारा काम आपका आसान बना देती है, आपकी चिमनी जो है आपके किचन को पोल्यूशन फ्री बना देती है। क्यों? क्योंकि जो चिमनी का मैकेनिज्म होता है वर्किंग का, वो ऐसे होता है कि चिमनी जो है स्मोक को तो वेंटिलेट कर देती है अपने पाइप के थ्रू, डक्ट पाइप के थ्रू, लेकिन जो स्मोक के अंदर जो ग्रीसी पार्टिकल्स होती है, जो कार्बन गैसेस होती है, उन्हें वो अपने फिल्टर के अंदर कैच कर लेती है, जिसे हमें टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ता है और इसकी वजह से हमारी जो किचन होती है वो पॉल्यूशन फ्री बन जाती है। तो ये तो होती है चिमनी की वर्किंग। साथ ही साथ इस वीडियो से पहले मैंने चिमनी बाइंग गाइड का एक और वीडियो बनाया था जिसमें मुझसे कमेंट पूछा था कि भाई एग्जॉस्ट फैन ज़्यादा बेटर है क्या चिमनी से? तो ऑफकोर्स ही बात है, एग्जॉस्ट फैन बिल्कुल भी ज़्यादा बेटर नहीं है, क्योंकि यार चिमनी का काम है स्मोक के साथ साथ कार्बन गैसेस और जो ग्रीसी पार्टिकल्स है उनको रिमूव करना, जबकि एग्जॉस्ट फैन सिर्फ स्मोक को वेंटिलेट करता है, लेकिन आपकी ग्रीसी पार्टिकल्स जो होते हैं, जो कार्बन गैसेस होती है, वो आपकी छत पे चिपक जाती है और इवन कुछ टाइम बाद तो आपका एग्जॉस्ट फैन भी काला पड़ जाता है, ये आपने देखा होगा। तो ऐसे में किचन को पॉल्यूशन फ्री रखने के लिए चिमनी सबसे ज्यादा बेस्ट मानी जाती है। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो कि आपको चिमनी को बाय करते टाइम पे ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों साइज ऑफ चिमनी। अब मार्केट के अंदर आपको 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और इवन 90 सेंटीमीटर की भी चिमनी देखने को मिल जाती है। तो कौन सा मॉडल हमारे किचन के लिए सबसे बेस्ट है? तो वेल ये डिपेंड करता है आपके किचन के अंदर रखे हुए स्टोव या हॉब के ऊपर कि उसके अंदर कितने बर्नर है। अगर 2 से 3 बर्नर है तो आप एक 60 सेंटीमीटर की चिमनी को कंसिडर कर सकते हैं, और वहीं 3 से ज्यादा बर्नर है, 4 या 5 बर्नर है आपके हॉब के अंदर या किचन स्टोव के अंदर, देन आप एक 90 सेंटीमीटर की चिमनी को कंसिडर कर सकते हैं, जो कि आपके किचन की सफिशियंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है किचन चिमनी की प्लेसिंग हाइट, कि हमारी चिमनी को हम किचन के अंदर स्टोव से कितनी हाइट पे प्लेस करें। तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी किचन चिमनी का मॉडल 1200 क्यूबिक मीटर पर आवर सक्शन पावर वाला है तो आप उसे अप टू 30 इंचेस की हाइट पर प्लेस कर सकते हैं, और वहीं आपकी चिमनी ज़्यादा पावरफुल है, 1400 क्यूबिक मीटर पर आवर का सक्शन पावर है या 1500 का है, तो ऐसे में आप उसे 35 या 40 इंच की हाइट पर प्लेस कर सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट हाइट मानी जाती है एक चिमनी को प्लेस करने की अपनी किचन की अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है चिमनी का माउंटिंग टाइप, और ये डिपेंड करता है आपके किचन के डिज़ाइन के ऊपर। अगर आपने किचन का कंस्ट्रक्शन करवाते टाइम पे अपनी छत पे सीमेंट डक बनवाया है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या है सीलिंग माउंटेड चिमनी या आइलैंड माउंटेड चिमनी जिसे हम बोलते हैं उसे कंसीडर कर सकते हैं, और इवन अगर आपके किचन के अंदर जो कुकिंग एरिया है वो सेंटर के अंदर है देन आपको एक सीलिंग माउंटेड चिमनी कंसीडर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सीलिंग माउंटेड चिमनी को बाय करते हैं और आपके किचन के अंदर सीमेंट डक नहीं बना और बाद में बनवाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
और साथ ही साथ आपको एक और चिमनी देखने को मिलती है मार्केट के अंदर, वो है वॉल माउंटेड चिमनी। और इंडियन किचन्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा कुकिंग होती है, अप टू 90% कुकिंग जो है दीवार के सारे स्टोव को रख के की जाती है, और ऐसी कंडीशन में वॉल माउंटेड चिमनी सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि वॉल माउंटेड चिमनी के अंदर जो हम एग्जिट देते हैं स्मोक को पास करने के लिए, वो डक्ट पाइप की हेल्प से देते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आप जो कुकिंग है दीवार के सहारे रख के करते हैं, आपकी किचन के अंदर एक होल बना हुआ है डक्ट पाइप को एग्जिट देने के लिए, तो वॉल माउंटेड चिमनी सबसे बेस्ट होती है। और वहीं अगर आपकी छत पे सीमेंट डक बना है तो सीलिंग माउंटेड चिमनी सबसे बेस्ट होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद दोस्तों, आपकी किचन के अंदर सीमेंट डक भी नहीं बना हुआ है और जो है डक पाइप को निकालने के लिए भी होल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या है डकलेस पाइप वाली चिमनी को कंसीडर कर सकते हैं, जिसके अंदर कार्बन फिल्टर इंस्टॉल होता है। और कार्बन फिल्टर क्या करता है कि आपके किचन में से जितना भी स्मोक होता है जो चिमनी है उसे एब्जॉर्ब करती है, और कार्बन फिल्टर जो है उसको फिल्टर करके वापस से आपकी किचन के अंदर छोड़ देता है, जिसे हम डकलेस चिमनी बोलते हैं। और ये मॉडल आपको ज्यादातर ऑफलाइन देखने को मिलेंगे, और कार्बन फिल्टर्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है चिमनी का सक्शन पावर। और चिमनी के सक्शन पावर को मेजर किया जाता है क्यूबिक मीटर पर आर के अंदर। और मार्केट के अंदर अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे या ऑफलाइन शोरूम में जाके विजिट करोगे, तो आपको 800 क्यूबिक मीटर पर आर सक्शन पावर से लेके 1700 क्यूबिक मीटर पर आर की सक्शन पावर वाली चिमनी देखने को मिलेगी। तो आपके लिए कौन सी बेस्ट है और कितने सक्शन पावर की चिमनी आपको लेनी चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वेल ये डिपेंड करता है आपकी कुकिंग हैबिट्स के ऊपर। अगर आप वेजिटेरियन पर्सन है और आपके घर में जो आपकी किचन है उसके अंदर वेजिटेरियन फूड ज्यादा बनता है, तो ऐसे में आप एक 800 क्यूबिक मीटर पर आर सक्शन पावर से लेके 1100 क्यूबिक मीटर पर आर की सक्शन पावर वाली चिमनी को कंसीडर कर सकते हैं। और वहीं आप नॉन वेजिटेरियन भी है, नॉन वेज कुकिंग भी करते हैं अपने किचन के अंदर, तो ऐसे में आप हमेशा 1200 क्यूबिक मीटर पर आर की सक्शन पावर वाली चिमनी ही कंसीडर करें या उससे ऊपर के मॉडल ही कंसीडर करें, क्योंकि ये बात आपको पता है जितना ज़्यादा सक्शन पावर होगा उतनी ही अच्छी आपकी चिमनी की परफॉर्मेंस होगी और वो आपके किचन के अंदर जो स्मोक है उसको एब्जॉर्ब करेगी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है चिमनी का स्टाइल। अब आप ऑनलाइन सर्च करो या ऑफलाइन मार्केट में जाके विजिट करो, आपको दो ही टाइप की चिमनी देखने को मिलेगी स्टाइल वाली। एक होती है कर्व ग्लास वाली और एक आती है स्ट्रेट ग्लास वाली। तो आपको कौन सी लेनी चाहिए, तो वेल ये डिपेंड आप ही के ऊपर करता है कि आपको कौन सी पसंद आ रही है, क्योंकि दोनों की परफॉर्मेंस सेम ही होती है, ऑलमोस्ट कोई फर्क नहीं आता कर्व से या स्ट्रेट से, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको एक चिमनी देखने को मिलती है एंगुलर चिमनी, या फिर यूं कह लो टी शेप चिमनी जिसे हम बोलते हैं। तो ये चिमनी आपको कब इंस्टॉल करनी है, अगर आपकी किचन के अंदर जो स्पेस है चिमनी को इंस्टॉल करने वाली जगह पे वो थोड़ा कम है, तो ऐसी कंडीशन में आप जो है टी शेप चिमनी या एंगुलर चिमनी को इंस्टॉल कर सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चिमनी का स्टाइल आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिजाइन पसंद आ रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है चिमनी के नॉइस लेवल, और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉडल चिमनी का बाय करने वाले हो। और आजकल जितनी भी चिमनी आपको देखने को मिलेगी उन सभी में साइलेंट किट इंस्टॉल किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी चिमनी के नॉइस लेवल जो है कम हो जाते हैं। तो मार्केट के अंदर आप एक चिमनी सर्च करोगे तो आपको उसके नॉइस लेवल 22 डेसिबल से लेकर 38 डेसिबल तक देखने को मिल जाएंगे, तो एक बार उसके नॉइस लेवल भी चेक कर लेना चिमनी के मॉडल को बाय करते टाइम पे। अब बात करते हैं दोस्तों चिमनी के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, वो है टाइप्स ऑफ फिल्टर। तो चिमनी के अंदर आपको तीन टाइप के फिल्टर देखने को मिलते हैं। पहला मैश या कैसेट फिल्टर, इस टाइप का फिल्टर जो होता है मल्टीपल एल्यूमिनियम की लेयर से बना होता है, ये जाली टाइप देखने को मिलता है। ये क्या करता है कि आपके स्मोक में से ग्रीसी पार्टिकल और कार्बन गैसेस को कैप्चर कर लेता है, लेकिन ये इंडियन किचन हैबिट्स के हिसाब से सूटेबल नहीं माना जाता, क्योंकि इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट थोड़ी सी हाई होती है। इसके बाद जो सेकेंड होते हैं बैफल फिल्टर, जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट माने जाते हैं इंडियन किचन हैबिट्स के हिसाब से, क्योंकि इस टाइप के फिल्टर की जो परफॉर्मेंस होती है वो लॉन्गर टाइम तक होती है, और ये जो है आपके ग्रीसी पार्टिकल्स को अच्छे से कैप्चर करता है इंस्टेड ऑफ मैश कैसेट फिल्टर। इसके बाद दोस्तों बफल फिल्टर जो है मैश फिल्टर से 30% ज्यादा एफिशिएंट होता है, क्योंकि इससे आपको बार बार क्लीन नहीं करना पड़ता, इसका मेंटेनेंस लो होता है, और आपको जब चिमनी में अगर बफल फिल्टर मिलता है तो उसे आपको 4 से 6 हफ्ते में एक बार क्लीन करना होता है, तो ऐसे में सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो बफल फिल्टर माना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फिल्टर है दोस्तों वो है चारकोल फिल्टर, और चारकोल फिल्टर भी इंडियन किचन हैबिट्स के हिसाब से सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि ये भी चारकोल ब्लॉक से बना हुआ होता है और आपके स्मोक में से ग्रीसी पार्टिकल और कार्बन गैसेस को कैप्चर कर लेता है, और स्मोक जो है आपका डक पाइप के थ्रू वेंटिलेट हो जाता है। लेकिन इसका एक कॉन ये है कि आप जब चारकोल फिल्टर यूज करते हो तो आप इसे क्लीन नहीं कर सकते, इसे 4 से 6 महीने बाद आपको डायरेक्ट रिप्लेस करना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट जो है 1500 से 2000 रुपए आती है, और ये आपकी किचन चिमनी के अंदर
एक्स्ट्रा एड ऑन होता रहता है 6-6 महीने में। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अब जब भी कोई चिमनी बाय करो, मैश फिल्टर और चारकोल फिल्टर आपको कंसिडर नहीं करने हैं, आपको सिर्फ बैफल फिल्टर कंसिडर करना है, जो कि सबसे बेस्ट माना जाता है इंडियन किचन हैबिट्स के हिसाब से। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है डकलेस चिमनी। अब इस वीडियो से पहले मैंने जब चिमनी बाइंग गाइड का वीडियो बनाया था तो मुझे कमेंट आया था कि क्या मैं एक डकलेस चिमनी बाय कर सकता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको डकलेस चिमनी बाय करनी है तो आप हमेशा ऑफलाइन जाके बाय करें, क्योंकि आपको वहां ज्यादा समझ में आएगा इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन, क्योंकि डकलेस चिमनी का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, वो आपको समझा देता हूँ। डकलेस चिमनी के अंदर कार्बन फिल्टर इंस्टॉल्ड होते हैं। बैफल फिल्टर को आप हटाओगे, दो शेप देखने को मिलेगी चिमनी के अंदर, दो टाइप के शेप के आते हैं और दो ही टाइप के शेप उसमें लगते हैं। एक जो होती है राउंड शेप का फिल्टर आता है कार्बन फिल्टर, और एक स्क्वायर शेप का कार्बन फिल्टर आता है, जिसकी कॉस्ट 700 रुपये से लेके 1500 रुपये तक की वैरी करती है, डिपेंड ऑन कि आप कौन सा बाय कर रहे हैं। अब जो कार्बन फिल्टर वाली जो चिमनी होती है, डकलेस चिमनी जो होती है, उसमें जब आप फिल्टर लगा देते हो तो वो चिमनी क्या करती है, स्मोक को एब्जॉर्व करती है। कार्बन फिल्टर क्या करता है, कार्बन गैसेस और ग्रीसी पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेता है और स्मोक को वापस से किचन के अंदर छोड़ देता है, क्योंकि चिमनी के अंदर डक तो है ही नहीं, डक पाइप तो है ही नहीं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि डक पाइप वाली या डकलेस चिमनी आपको कभी भी बाय नहीं करनी है अपनी किचन के लिए, क्योंकि आपका मकसद क्या है, चिमनी को बाय करके किचन को पॉल्यूशन फ्री बनाना, जबकि डकलेस चिमनी ये काम अच्छे से नहीं करती है। इसलिए हमेशा बैफल फिल्टर वाली चिमनी कंसिडर करें या डक पाइप वाली चिमनी कंसिडर करें इंस्टेड ऑफ डकलेस चिमनी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है एडवांस फीचर इन किचन चिमनी। अब ये डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर कि आप जितना ज़्यादा बजट बढ़ाएंगे उतनी ही फीचर्स वाली चिमनी आपको मिल जाएगी, क्योंकि ज़्यादा महंगी चिमनी के साथ ही ज़्यादा फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि मोशन हैंड सेंसर, यानी कि अगर आप किचन में कुछ काम कर रहे हैं और आपके हाथ गंदे हैं तो आप चिमनी के सामने जस्ट हैंड वेव करेंगे और आपकी चिमनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद होटो हीट डिटेक्शन या होटो स्मोक डिटेक्शन जैसे फीचर्स मिल जाएंगे, मतलब चिमनी ऑफ है और चिमनी ने अगर स्मोक डिटेक्ट करा या हीट डिटेक्ट करी तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। बजर अलार्म अगर आपकी चिमनी को क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे में ये सारे फीचर्स जो है आपको ज़्यादा पे करने पे ही मिलते हैं। इसके बाद आपको चिमनी की जो है LED जो उसके अंदर इंस्टॉल्ड है उसकी ब्राइटनेस देखनी है कि वो कितनी अच्छी है। बेसिकली हर एक चिमनी के अंदर आपको 2 वॉट या 2.5 वॉट के बल्ब मिल जाते हैं, जिनकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी होती है आपके स्टोव के ऊपर। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। बाकी आप चिमनी का सक्शन स्पीड जो है एडजस्ट कर ही सकते हो, 3 स्पीड के ऑप्शन आपको हर एक चिमनी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ एडवांस फीचर्स हैं जो कि आपको बजट के हिसाब से देखने को मिलते हैं। बाकी अगर आप एक सस्ता मॉडल कंसिडर करोगे तो उसमें आपको मोशन हैंड वेव सेंसर या ये बजर अलार्म जैसे फीचर देखने को नहीं मिलेंगे। और वहीं आप एक अच्छा प्रीमियम मॉडल बाय करना चाहते हो तो मेक श्योर इन फीचर्स को एक बार चेकआउट जरूर करना। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है फिल्टर वर्सेस फिल्टरलेस चिमनी। और यहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, तो इसे ध्यान से सुनना। अभी आप कह रहे थे कि आप बैफल फिल्टर सबसे बेस्ट है और आप फिल्टरलेस चिमनी के बारे में बात कर रहे हो, तो हाँ बैफल फिल्टर सबसे बेस्ट है, बस यहां पे फर्क है तो क्या, मेंटेनेंस का, क्लीनिंग का, जो कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। ये बात आप सबको पता है कि बैफल फिल्टर की वर्किंग कैसे होती है। जब चिमनी स्मोक को एब्जॉर्ब करती है तो जो बैफल फिल्टर होता है स्मोक में से कार्बन गैसेस और ग्रीसी पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेता है, जिसे हमें मैनुअली कपड़े से 4 से 6 हफ्ते में एक बार क्लीन करना पड़ता है। सिंपली समझ में आ गया। इसके बाद जो फिल्टरलेस चिमनी होती है उसके अंदर भी बैफल फिल्टर होता है, क्योंकि उस पर ही तो आपका जो ग्रीसी पार्टिकल कार्बन गैसेस है वो कलेक्ट होंगी, लेकिन वो ओपन नहीं होता। इसके बाद आपको उस फिल्टरलेस चिमनी के अंदर एक हीटिंग एलिमेंट देखने को मिलता है या ऑटो क्लीन फंक्शन देखने को मिलता है। जैसे ही आप ऑटो क्लीन बटन को प्रेस करेंगे उस हीटिंग एलिमेंट का हीट होना स्टार्ट हो जाएगा चिमनी के अंदर, और जैसे ही वो हीटिंग एलिमेंट हीट होगा आपकी जो ट्रे पे जितना भी ऑयल ग्रीसी पार्टिकल्स जमा है वो पिघल के आपकी ऑयल कलेक्टर ट्रे के अंदर आ जाते हैं और आप उसे फेंक सकते हैं, और ऐसे आपको एक मेंटेनेंस फ्री चिमनी देखने को मिलती है जिसे आपको मैनुअली कपड़े से साफ नहीं करना पड़ता। तो ये डिफरेंस होता है एक फिल्टर वाली चिमनी के अंदर और एक फिल्टरलेस ऑटो क्लीन चिमनी के अंदर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मैनुअली कपड़ा नहीं फेरना 4 से 6 हफ्ते में चिमनी को साफ करने के लिए, तो आप एक फिल्टरलेस चिमनी की तरफ जाइए, और वहीं कपड़ा फेरना है तो फिर आप बैफल फिल्टर वाली चिमनी को कंसिडर करिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है इंस्टॉलेशन। और इंस्टॉलेशन के चार्जेस जो है सिटी टू सिटी डिपेंड करते हैं कि भाई आप कौन सी चिमनी का मॉडल बाय करने वाले हैं और कौन सी सिटी में रहते हैं और कहां उसे इंस्टॉल करा रहे हैं। बेसिकली जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं चिमनी के,
500 से 700 रुपए के बीच में होते हैं, डिपेंड ऑन योर सिटी। इसके बाद आपको इंस्टॉलेशन कराते टाइम पे क्या चीजें ध्यान रखनी है, सबसे पहले डक पाइप और डक पाइप की लेंथ। आपको ये चेक करना है कि जो भी आप चिमनी बाय कर रहे हो उसके साथ आपको कितने मीटर की लेंथ वाला डक पाइप मिलता है, और एल्यूमिनियम का है या प्लास्टिक का है। हमेशा प्लास्टिक वाले पाइप को अवॉइड करना है, एल्यूमिनियम वाले पाइप को हमें इंस्टॉल करना है, ये चीज ध्यान रखना, लेंथ हमेशा मेजर कर लेना। इसके बाद कुछ ब्रांड जो होती है इंस्टॉलेशन किट के साथ आपको एल्यूमिनियम टेप और कॉइल कवर प्रोवाइड नहीं करती है, तो उसे आप आफ्टर मार्केट भी खरीद सकते हैं या इंस्टॉलेशन के टाइम पे भी खरीद सकते हैं, जिसका खर्चा 250 से 300 रुपए आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपके टोटल मान के चले एवरेज तो 600 से 700 रुपए तो लग ही जाएंगे, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद इंस्टॉलेशन करवाने के बाद आप चिमनी की एक बार फिटिंग अच्छे से चेक कर लीजिए और अपनी चिमनी को स्टार्ट करके उसकी परफॉर्मेंस देखिए, तभी आप इंस्टॉलेशन वाले को जाने देना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि बाद में क्या हो कि आपको कोई प्रॉब्लम आए और आपने तो इंस्टॉलेशन करवा लिया और बाद में कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसे में फिर आप दोबारा उसको कॉल करके बुलाओगे तो ऐसे में आपका टाइम वेस्ट होगा। तो मेक श्योर इंस्टॉलेशन करते टाइम पे एल्यूमिनियम डक्ट पाइप की लेंथ, टेप, कॉल कवर और इंस्टॉलेशन कराने के बाद चिमनी को स्टार्ट करके जरूर देखें। इसके बाद लास्ट नॉट द लीस्ट दोस्तों, वारंटी और आफ्टर सेल सर्विस। तो वारंटी आपको चिमनी पे तो एक साल की मिली जाती है, साथ ही साथ आपको मोटर पे भी वारंटी देखनी है। तो चिमनी की मोटर जो होती है उस पर आपको 5 ईयर्स की भी वारंटी मिलती है, 12 ईयर्स की भी मिलती है और लाइफ टाइम की भी मिलती है, डिपेंड ऑन कि आप कौन सी ब्रांड का कौन सा मॉडल बाय करने वाले हो। तो मेक श्योर एक बार चिमनी की वारंटी के साथ साथ चिमनी की मोटर पे मिलने वाली वारंटी भी आपको चेक करनी है। इसके बाद आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो कोई सी भी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदो, कोई सा भी प्रोडक्ट खरीदो, हमेशा प्रोडक्ट को बाय करते टाइम पे या उससे बाय करने से पहले अपनी सिटी के अंदर उसका नियर बाय सर्विस सेंटर जरूर पता कर ले, क्योंकि एंड वक्त पे प्रोडक्ट खराब हो गया तो फिर कहाँ जाओगे। तो ये वो पॉइंट्स थे जो कि आपको चिमनी को बाय करते टाइम पे हमेशा ध्यान में रखने, ताकि आप अपने लिए एक बेस्ट चिमनी सेलेक्ट कर पाओ। तो दोस्तों ये वो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि आपको चिमनी को बाय करते टाइम पे हमेशा ध्यान में रखने, ताकि आप अपने लिए एक बेस्ट किचन चिमनी सेलेक्ट कर पाए। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट के रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, इस वीडियो से पहले मैंने जो चिमनी बाइंग गाइड का वीडियो बनाया था उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे, लोगों ने अपने जो चिमनी यूज कर रहे हैं उनके रिकमेंडेशन मेरे साथ शेयर किए थे और बेस्ट चिमनीज मेरे साथ शेयर की थी। तो वो जो चिमनी वो यूज कर रहे हैं और जो बेस्ट सेलिंग चिमनीज हैं मेरे अकॉर्डिंग 60 सेंटीमीटर साइज में भी और 90 सेंटीमीटर साइज में भी, उनके बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां से जाके आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि ये जितने भी मॉडल्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं ये अब तक के सबसे बेस्ट मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, जिनके मैंने सारे के सारे रिव्यूज पढ़े हैं और सारी की सारी चिमनी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। जाइए उन्हें चेकआउट करिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग शॉपिंग बाजार।